हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। SBI में आग लगने से मची अफरा तफरी, पूरे बैंक परिसर में फैला धुआं, बिजली पैनल बोर्ड को हुआ नुकसान। रेलवे स्टेशन के पास स्थित SBI शाखा में शनिवार दोपहर को आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को वहां भेजा गया, लेकिन एक गाड़ी ने ही आग पर काबू पा लिया। आग से एक बार की अफरा तफरी मच गई। आग से बैंक के बिजली पैनल बोर्ड को नुकसान पहुंचा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि दोपहर में सूचना मिली कि SBI की रेलवे स्टेशन शाखा में आग लगी है। आग लगने से पूरे बैंक परिसर में धुआं फैल गया। कर्मचारी बाहर निकलकर आ गए। बैंक के अंदर की तरफ लगे बिजली पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी थी। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियों के साथ खुद CFO शर्मा भी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बिजली बोर्ड को हानि पहुंची है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के हिसाब से इन्होंने केवल फायर अलार्म सिस्टम लगा रखा है, जो कि अलार्म बज रहा है, आप सुन भी रहे होंगे, और उसके अलावा कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं। मेन चीज जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक देखने में आई है कि जो इलेक्ट्रिकल पैनल है इनका, वो एकदम लास्ट में जाके इंटीरियर में लगा हुआ है, जबकि वो पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल ऐसी जगह होना चाहिए जिसको कि इजीली अप्रोच कर सके। अचानक मान लीजिए लाइट कट करनी है तो उसमें अंदर जाने के लिए रास्ता भी प्रॉपर नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है, और उसके आगे भी कबर्ड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, रास्ता भी उसका ब्लॉक किया हुआ है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे ये किसी पुराने जमाने की बनी हुई बिल्डिंग लग रही है, और उस समय जब शुरू किया होगा तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी होता ही है, नया फर्नीचर भी आता है, नए स्टाफ भी नया आता है, तो जो इनिशियल स्टेज पे जो था उसके अकॉर्डिंगली है, तो उसके अनुसार व्यवस्था इसकी बढ़नी चाहिए, जो कि अभी नहीं है यहाँ पे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।